रेवाड़ी में सर्व कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में के मुख्य बाजारों में मशाल जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मेन बाजारों में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर बरसते नजर आए। नरेश यादव सर्कल सचिव रेवाड़ी ने बताया कि सरकार द्वारा चुनाव के समय जो वायदे किए गए थे वो उनसे मुकर रही है, जिसमें कर्मचारियों को खासी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों के विरोध में कर्मचारियों द्वारा यह मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो यह आंदोलन लगातार यूं ही जारी रहेगा। ये जो हरियाणा सरकार को चेताया जा रहा है, मैं जो सब कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो जल्दी जल्दी पूरी की जाए, जितने वो पक्के से जो कच्चे किए उनको दोबारा पक्का किया जाए, इस संबंध में ये हम जुलूस निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए निकाला गया? ये नेहरू पार्क से लेके पूरे बाजार के बीच में से होते हैं मोती चौक फिर मखनवाला की धर्मशाला में इसका समापन करेंगे। अगर सरकार अब भी आपकी बात नहीं मानती तो आगे क्या? आगे हमारे आदेश मिले हुए हैं, दो दिन की हड़ताल होने वाली है एसकेएस की तरफ से, एक हड़ताल ट्रेड यूनियन की तरफ से होगी। रेवाड़ी से राजकुमार। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.